हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, जहाँ पे टिकट क्लर्क के ऊपर रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन जारी किया गया है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। आज की इस वीडियो के अंदर एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। देखते रहेगा पूरा वीडियो लास्ट तक। बहुत सारे जो है अपडेट आया है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, उसके बारे में एक एक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एप्लीकेशन करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आपका फॉर्म जो है भेज सकते हो। अगर आप लोगों को डेली जॉब अपडेट पाना चाहते हो, तो आर ऑफिशियल वेबसाइट www.studywithshobhi को फॉलो करना मत भूले। वहाँ पे आप लोगों को हर रोज़ जॉब अपडेट मिलता रहेगा। जस्ट गूगल में सर्च कीजिए द स्टडी विद शोभी, जिसमें आप लोगों को हर एक जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए, जो अपडेट आया है उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, इंडियन रेलवे की तरफ से जो अपडेट आया है, जहाँ पे क्लियरली बताया है इंडियन रेलवे के रिक्रूटमेंट की तरफ से टीसी और टिकट क्लर्क के जो रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे 2500 के टोटल पोस्ट यहाँ पे निकल के आया है। इस टोटल पोस्ट के अंदर ऑल ओवर वेस्ट बंगाल के अलावा ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट टिकट क्लर्क के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में जहाँ जहाँ बड़े जो है स्टेशन है, जो डिवीज़न स्टेशन है, उसमें जो है इस रिक्रूटमेंट को यहाँ पे होने वाला है। तो आपको जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में होने वाला है। पोस्ट नेम जो है, मैंने जैसे कि पहले ही बताया है, टिकट क्लर्क और टीसी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के पोस्ट, दोनों पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अप्लाई मोड आपको जो है ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन करना है। दोस्तों, जो ऑनलाइन के एप्लीकेशन के अपडेट दिया जा रहा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसमें से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों ही कैंडिडेट एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हो। रेलवे टीसी के जो सैलरी यहाँ पे दिया जा रहा है, 21,000 से 81,000 पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे आपका दिया जाएगा। जो एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे अनरिजर्व जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस, एंड SC/ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो कैंडिडेट 18 से 35, ओबीसी के लिए 18 से 38, SC/ST के लिए 18 से 40 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। जहाँ पे 3 to 5 ईयर्स के एक्स्ट्रा जो है अपडेट दिया जा रहा है। जो फिज़िकल टेस्ट दिया जा रहा है, हाइट जो है यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, हाइट टेस्ट जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल टेस्ट नहीं होने वाला है। इसीलिए कोई भी यहाँ पे फिज़िकल और हाइट और वेट नहीं हो दिया जा रहा है। तो एप्लीकेशन आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, जहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड आपको यहाँ पे जेरोक्स आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम, मेडिकल एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एंड मेरिट लिस्ट के ऊपर बेस करके आपको सिलेक्शन किया जाएगा। 10th और 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। मई 2020 के आसपास आपको जो है लास्ट डेट दिया गया है, तो जल्दी से जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।